सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज मैं आपका जो तारुफ करवाना, बल्कि तारुफ के किसी की मोहताज ही नहीं, उनका तारुफ करवाने की जरूरत ही नहीं। अगर उनके बारे में ये कहूँ कि कोई मुकाबिल नहीं दूर तक बल्कि बहुत दूर तक, तो उनका नाम है सिर्फ सलमान नौमान। ये बात उन पर बिल्कुल फिट आती है क्योंकि जिनकी वीडियोज़ ने इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है, और अब वो यूट्यूब पर पहले भी आपसे मिले थे लेकिन 5 मिलियन व्यूज से मिले थे, अब 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं उनके, और ये पहले पाकिस्तानी हैं जिनके यूट्यूब पे 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और इसके अलावा बहुत तेज़ी से जो है ये टारगेट को हिट कर रहे हैं, अपने पहले 5 मिलियन फिर 6 मिलियन और इस तरह से आगे पता नहीं, मुझे लग रहा है ये आगे कहाँ कहाँ हम इनसे मुलाकात करेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं दी वेरी फेमस ऑन यूट्यूब सलमान नौमान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बड़ा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं सलमान। आपकी दुआएं बस। पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी और अब 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ मुलाकात हुई है आपकी। 29 डेज पहले मिले थे। बिल्कुल, क्या बात है आपकी, करेक्ट। अच्छा, कुछ वीडियोस भी आपकी हमारे पास है, मैं चाहूंगी कि वो भी दिखा देते हैं इनकी वीडियोस, और फिर देखते हैं आपसे बात भी करते हैं कैसी क्या वीडियोस हैं जो इतनी वायरल हो रही हैं भाई। बस छोटा मोटा एंटरटेनमेंट करते हैं, बस लोगों को एंटरटेन करना। ये मेरा गाना चल रहा है इस वीडियो पर, गाने का नाम है बाप नंबर। माशाल्लाह कल तो ऐसा कमाल हुआ कि पूरे इंडिया में नंबर वन ट्रेंडिंग पे वीडियो चल रही थी। पूरे इंडिया में इस म्यूजिक वीडियो की नहीं, मेरी एक कॉमेडी वीडियो है, गोला गंडा बना रहा हूँ मैं, वो वीडियो है हमारे पास। अगर है तो मैं चाहूंगी कि हम व्यूअर्स को दिखाएं, गोला गंडा बना रहे हैं सलमान, और क्या करें गोला गंडा बना के? गोला गंडा बना रहे हैं, और मुझसे बोला जाता है कि लाल कलर का बना दो, मैंने बोला लाल तो खत्म हो गया, तो बोलते हैं कि लाल खत्म हो गया, तो हम जा रहे हैं, बोला लाल ही दूंगा मैं, पान खा रहा अच्छा, होता हूँ लाल, तो मैं देखता हूँ सोचता हूँ क्या करूँ, मैं यूँ करता हूँ और एकदम से फिर उनको दे देता, फिर वो मजे से खाते हैं, बोलते हैं ये तो पान फ्लेवर है। तो वो वीडियो इतनी वायरल हुई, 15 मिलियन उसके व्यूज आए माशाल्लाह 2 दिन में, और वो ट्रेंडिंग नंबर 1 इंडिया में थी, नंबर 1 फॉर 8 आवर्स, अभी भी नंबर 3 पर है। अच्छा, जबरदस्त भाई, ये तो बस गोला गंडे वाले कोई ना देखे ये वीडियो, और अब तो मैं लाल वाला गोला गंडा बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, वो जब भी खाऊंगी मुझे ये याद आएगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। अच्छा सलमान, मुझे ये बताएं कि ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, ये आर्ट है कि डेली बेसिस पे आप कुछ नए टॉपिक सोचें इस तरह से लोगों को हंसाने के लिए, कि देखिए सीरियस टॉपिक से डिस्कशन करना, बात करना बहुत आसान है, लेकिन इस तरह के इश्यूज पे लाइक लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, तो कैसे सोचते हैं, किस तरह से ये चीज़ें ज़हन में आती हैं? ये बात तो मैंने खुद नोट की है कि मतलब हंसाना बहुत बड़ी आर्ट है। बिल्कुल, तो मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं उनको पता होता है कि क्या बोलना है। इतना कि सटायर एक कंटेंट बनाना, इट्स रियली डिफिकल्ट, और लोगों को फिर समझ में आए, किसी की दिल आजारी भी ना हो। बिल्कुल, कोशिश ये रहती है, मतलब 10 चीज़ें आती हैं, 10 में से एक चीज़ पिक की जाती है और उसको बनाया जाता है। तो मोस्टली मैं खड़ा हुआ होता हूँ रोड पर, सोच रहा होता हूँ कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है, मुझे कोई भी ठेला कोई दुकान कुछ भी नज़र आया उसके ऊपर मैं सोचता हूँ क्या चीज़ हो सकती है रिलेटेबल, ऐसी चीज़ जो रिलेटेबल हो कि लोग रिलेट कर सके कि यार ये हमारे साथ हो सकता है या हो चुका है, तो वो लोग और ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर उस पर कमेंट करते हैं लोग कि तो हमारे साथ पहले से सोच के रिसर्च करके काम करके होमवर्क करके नहीं जाते कि नहीं जी हमने इस तरह की स्टोरी लाइन बनाई है, स्टोरी बोर्ड है, ये जाके इस तरह से करना है, बस खड़े हो और खड़े होकर सोचो क्या करना है। जैसे अभी अगर मैं यहाँ बैठा हुआ तो मुझे सोचना है यार क्या करना है, और यहाँ पर फिर बैठ के निकाली 5-10 मिनट में और बना ली वीडियो On the spot. ये भी एक टैलेंट है भाई। और तो टीम है आपके साथ या अकेले करते हो? मोस्टली मेरे साथ मेरा भाई होता है, एक कजन होता है, बस फैमिली टीम है। अच्छा मुझे बताएं सलमान, आप में इतना जबरदस्त टैलेंट है, अगर हम सेट पे यहाँ बैठे हुए हैं तो आप मुझे बताएं यहाँ पे कौन सी वीडियो बना सकते हैं आप, हम भी वायरल होंगे भाई। यहाँ अगर मैं जैसे कॉमेडी वीडियो दिखाऊँ कि मैं आपके साथ डेट पे आया हूँ, एग्जाम्पल मैं आपके साथ डेट पर आया हूँ, हम लोग आके काउच पे एनवायरनमेंट से आपको ठीक है, और जैसे मैं वॉलेट भूल आया हूँ, अब मैं मेरी होनी भी नहीं चाहिए कि आपको पता चले मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं बात ऐसी कर रहा हूँ कि आप पैसे निकालने कुछ करके। अच्छा, अब लड़कियाँ पैसे इतनी निकालेंगे, अब बात चल रही है, एंड में ये होता है कि हमने कॉफी मंगा ली, कॉफी आ गई है, कॉफ़ी भी आ गई, कॉफ़ी पी रहे हैं, और मैं अब सोच रहा हूँ जिसके अंदर मेरे बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है कि पैसे तो मैं घर अब भूल के आ गई हूँ, क्या होगा। अच्छा ठीक है, साथ में तो मुझे सैंडविच भी खाने, मुझे भूख लग रही है, सैंडविच ही मंगवा लेते। अब आपने सैंडविच खाने तो मेरी दिल की धड़कने तेज हो गई, एक्सक्यूज मी, इनके लिए सैंडविच भी ले आना, क्या हुआ लाना की शुरू कर दिया, तो डायलॉग खुद ब खुद नेचुरली इस तरह से बनते हुए आ जाते हैं, पैसे ही नहीं है ना जेब में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।